हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं रेबड़ी पायसम। अभी नवरात्र चल रहे हैं, एक बार तो ट्राई करना जरूर बनती है। पैन अभी गर्म हो चुकी है। अभी पैन पे हम मिल्क डाल देते हैं। यहाँ पे हम फुल फैट वाला मिल्क हम यूज कर रहे हैं ताकि हमारा पायसम गाढ़ा बन सके। मिल्क में जब उबाल आ जाएगी, इसको धीरे धीरे चारों तरफ से चलाते रहना है, इस तरह से। इसमें अभी हम डाल देंगे छेना। आप दूध को फाड़ के भी छेना बना सकते हो, नहीं तो आप पनीर को क्रश करके भी ले सकते हो। अभी इसमें 1 टेबल स्पून कार्डमम पाउडर डाल देते हैं, इससे स्मेल बहुत बढ़िया आती है। रैपिड में एक अच्छी सी कलर लाने के लिए हम एक पिंच सैफ्रन को हाथ में क्रश करके, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे करके आप इसमें डाल देना है। अभी देखो कितना बढ़िया सा कलर आ चुकी है। अभी एक मेजरमेंट कप में 1 कप सिवाई लिए हैं, उसको अभी डाल देते हैं। डाल के सारे को मिला लेते हैं अच्छे से। अभी कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू को ऐड किया है, आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ढक्कन देके कुछ टाइम उसको छोड़ देते हैं ताकि सिवई अच्छे से फूल सके। इसमें अभी एक उबाल आ चुकी है, सिवई भी अच्छे से फूल चुकी है। अभी इसमें हम डाल देते हैं शुगर। शुगर अपने आप हिसाब से लीजिए, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज करिए, नहीं तो कम लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगती है। और इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये गाढ़ा बन जाएगा, गाढ़ा बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हमारा रबड़ी पायसम बन के अभी रेडी हो चुकी है, चलो इसको सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरा रेसिपी को लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।